तस्वीरों में देख सकते हैं सीआईएटी की जो टीमें हैं वो अब अंजलि, ये अंजलि है, ये उनकी ताई है और ये पीछे दादी, उनका मेडिकल करवाने के लिए सीआईएटी की जो टीमें पहुंचे थी, अब उनका कहीं ना कहीं मेडिकल करवाने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में से क्या निकल कर आता है ये अभी देखना होगा। क्या करनाल की पल-पल की अपडेट रहेगी, एक खबर को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पल-पल की अपडेट रहेगी। नमस्कार, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, ट्रामा सेंटर इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर जस के जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं आज पेश करने के लिए, उनका मेडिकल करवाने के लिए ट्रामा सेंटर में सीआई टीम पहुंची हुई है। सीआई की टीम तीनों आरोपियों को लेकर आई है जिसमें अंजलि उसकी चाची, दादी और उसकी जो ताई है जस की, उनको लेकर आज पहुँचे हैं ट्रामा सेंटर में। कहीं ना कहीं उनका आज मेडिकल करवाया जाएगा, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंजलि 3 दिन के रिमांड लिया पहले, फिर 2 दिन का रिमांड लिया, आज उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा पोस्टमार्टम करवाने के, सॉरी मेडिकल करवाने के बाद। फिर वहीं पर जो उसकी दादी है, उसकी ताई है, उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 दिन का रिमांड सीआईटी ने ले लिया जिसके चलते आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे क्या निकल कर आता है ये अभी देखना होगा, क्या निकल कर आएगा। वहीं पर आज उनको मेडिकल करवाने के लिए सीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। तस्वीरें करनाल की दिखा रहे हैं, ट्रामा सेंटर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको बता दें पहले 3 दिन का रिमांड लिया अंजलि का, फिर 2 दिन का रिमांड लिया, फिर आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पर आज 1 दिन का जो रिमांड था उसकी दादी और उसकी ताई, उनका 1 दिन का रिमांड रखा गया था जिसके चलते आज उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद उनको कोर्ट में पेश जरूर किया जाएगा क्योंकि उन पर ये आरोप है कि जो डेड बॉडी थी कहीं ना कहीं उस डेड बॉडी को खुर्दबुद करने के जो आरोप हैं उन पर लगाए गए थे। उन्होंने खुर्दबुद किया था जिस पर उन पर संगीन धाराएं हैं क्योंकि उन्होंने खुर्दबुद क्यों किया, जिसके चलते आज सीआई की टीम है जो यहां पर पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं आज उनको मेडिकल करवाया जाएगा, फिर उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जो इंचार्ज वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सीआई के जो तमाम अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पल पल की अपडेट रहेगी, खबर को पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अब आज तीनों आरोपियों को मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल करवाने के बाद फिर उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी, खबर को पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये है दादी जिन पर आरोप लगे हैं, जस की ये दादी है जिन पर आरोप लगे हैं हत्या के, आज उनका मेडिकल करवा, उसी तरफ ताई और एक उनकी जो चाची है कहीं ना कहीं उनको आज पहुंचे हुए हैं, उनका मेडिकल करवाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की टीम तमाम यहां पहुंची हुई है मेडिकल करवाने के लिए, मेडिकल करवाने के बाद उनको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब क्या निकलता है ये देखना बाकी है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी, खबर को तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो CI2 के जो मुल्ला जो सारे इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने इस जो गुत्थी है उसको सुलझाने में काफ़ी सहयोग उनको मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उनका सहयोग मिला है, जो उनकी टीम में थी वो उनके साथ थी और जो ईमानदारी को पेश करने के लिए जिसके चलते आज अंजलि को और अंजलि को जस की चाची है, जस की ताई है और जस की दादी को आज कोर्ट में
खुलासा करेगी है, जिसके चलते मेडिकल